हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएस बी पीजीटी फिजिक्स फीमेल के, जो कि 29 जून 2021 को हुआ था। और इस सेक्शन में रहेगा डिसिप्लिन 6। इसके पहले के डिसिप्लिन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, सो लेट्स स्टार्ट नाउ सेक्शन 6। सो दिस इज सेक्शन 6, डिसिप्लिन 6। क्वेश्चन 1 है द मेजर्ड लेटेंट हीट ऑफ वाटर। देखो, आपको लेटेंट हीट ऑफ वाटर गिवन है एल। एट एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब मास ऑफ वाटर आपको गिवन हैज अ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब इन लिक्विड स्टेट एंड 1671 सेंटीमीटर क्यूब इन वाटर इन वेपर फेज। तो आपको एक तरह से इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम भी गिवन है। आपको बताना है कि डेल्टा यू कितना होगा। डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी। तो हमें इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, इंटरनल एनर्जी। अब देखो, हमारे पास जो वाटर है 1 ग्राम, वो पहले लिक्विड फेस में था और लिक्विड से हम उसको ले जा रहे हैं वेपर फेस में। जब वो लिक्विड से वेपर फेस में जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी उसको मिलेगी हीट एनर्जी से। ठीक है, और हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, दो फॉर्मूले होते हैं हीट एनर्जी के, एक तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और एक डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू में लेटेंट हीट। देखो, ये फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल करें जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज सेम हो, मतलब फेज चेंज ना हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, बस टेम्परेचर चेंज। ठीक है, और जो फॉर्मूला डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल, ये हमें तब इस्तेमाल करना चाहिए जब फेज में चेंज आ रहे हो। तो मैं लिख देता हूँ व्हेन फेज चेंजेस। अब क्योंकि यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, मतलब फेज का मतलब कि लिक्विड से सॉलिड बने, सॉलिड से वेपर बने, कुछ भी, या फिर गैस से कंडेंसेशन हो, जब भी स्टेट में चेंज हो रहा हो, जब भी फेज में चेंज हो रहा हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल। तो अब हमारे पास एम है 1 ग्राम और एल की वैल्यू कितनी है? 2256 जूल पर ग्राम। तो ग्राम से ग्राम अगर कैंसिल होगा तो हमें एनर्जी मिल जाएगी कितनी? 2256, ये जूल, मतलब कि इतनी एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही होगी इसको लिक्विड फेज से वेपर फेज में चेंज करने के लिए। लेकिन आप ये देखो कि वॉल्यूम में भी तो चेंज हुआ है, और जब भी वॉल्यूम में चेंज होता है तो कहीं ना कहीं वर्कडन भी हो रहा होगा। तो वर्कडन कितना होगा? पी इंटू में चेंज इन वॉल्यूम। जो वर्कडन होगा वो कितना होगा? डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू पी डेल्टा वी। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी। चलो, वर्कडन भी हम निकाल लेंगे क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, तो डेल्टा डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं प्रेशर। प्रेशर कितना होता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर 1.013 × 10 की पावर 5, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो 1671 में से 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम माइनस कर देंगे, तो 1671 -1। लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे कैसे? 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम में तो पावर 3 हमें करनी पड़ेगी। अब तो यहाँ से हम डेल्टा डब्ल्यू लिख लेंगे, वो आ जाएगा 1.013 × 10 टू द पावर 5, और ये 1670 अभी SI यूनिट में आ गया, और 10 की पावर -6। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास वर्क डन भी है और इंटरनल डेल्टा क्यू भी है, और इंटरनल एनर्जी हमें निकालनी है। तो हमें सोचना पड़ेगा एक ऐसा रिलेशन जो कि इन तीनों में, तीनों ही चीज़ में आ जाए, जैसे कोई फॉर्मूला जिसमें डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू तीनों चीज़ें आती हैं। तो ऐसे में आपके मन में आना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं वही अप्लाई करूंगा जो आपके मन में आ रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स, जो कि ये कहता है कि जितने भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो दो जगह यूज होती है, एक तो वर्कडन करवाने में, दूसरा उसमें इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो सकती है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। अभी हमें निकालना है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, मतलब कि वर्क डन, और इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है यहाँ पर, तो हीट में से हमें वर्क डन माइनस करना पड़ेगा। 2256 - 1.013 × 10 टू द पावर -5, यहाँ पर 6 है तो -1 बचेगा, इंटू में 1670। तो जब आप इसको सोल्व करोगे हमें मिलेगा 2086.82 के आसपास ही आएगा, और जूल में आएगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी हमारी आएगी 0 और ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। तो ये क्वेश्चन था क्लास 11 से, और टॉपिक था
थर्मोडायनेमिक्स, और उसका सब टॉपिक था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन अ सिंपली कनेक्टेड रीजन आर, देन फॉर एवरी क्लोज पाथ सी इन आर द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अराउंड सी इज जीरो। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई क्लोज कर्व है इस तरह से, ये क्लोज कर्व है सी, और ये जो पूरा रीजन है ये है आर। अब मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड, लेकिन उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और उसका जो डेरिवेटिव होगा हर एक पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं जो फंक्शन होगा एफ जेड, ठीक है, एफ जेड डी जेड, उसका जो इंटीग्रेशन होगा इट विल बी जीरो, लेकिन जो लूप होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, क्लोज, और फंक्शन कैसा होना चाहिए, एनालिटिक, और इसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए अराउंड द ईच पॉइंट जो भी ये पेरिफेरल है। तो ये सिंपली कंडीशन है कोची इंटीग्रल थ्योरम की। एक्चुअली जो यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है ये कोची इंटीग्रल थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज फॉल्स फॉर एक्सटेंसिव वेरिएबल, मतलब एक्सटेंसिव वेरिएबल से रिलेटेड इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो हमें चूज करनी है। पहले मैं आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बता देता हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन पे चलेंगे दोबारा। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर देखा जाए तो इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी होगी मतलब उसकी अंदर की खुद की प्रॉपर्टी रहेगी, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड करेगी कि अमाउंट कितना है। अब इसको इस तरह से समझो कि सपोज करो आपके आपके पास एक बीकर में वाटर है, ठीक है, पानी है। अब इस पानी को अगर मैं थोड़ा सा मान लीजिए ग्लास में ले गया तो इस पानी की कौन सी चीज़ नहीं बदलेगी, तो नहीं बदलेगी उसकी डेंसिटी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप कितना भी पोर्शन लो उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, यानी कि डेंसिटी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी में एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, डेंसिटी का, ठीक है। दोबारा सुनो, देखो आपने देखा होगा डेंसिटी हमेशा वाटर की डिफाइन होती है कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 997 और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो कितना भी पोर्शन आप पानी का लो उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, तो डेंसिटी अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसलिए डेंसिटी किस तरह की क्वांटिटी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपने क्लास 10th में ये तो पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कोई रजिस्टेंस है, कोई वायर है, उसका रजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन में एरिया होता है, तो अगर मैं इसकी लेंथ को कट कर दूँ तो इसका रजिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना, लेकिन उसकी जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी मतलब लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो वो तो सेम रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पर, तो रेजिस्टेंस अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल क्या होगा, रेजिस्टेंस, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल क्या हो गया, रो, रो मतलब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी भी आप कह सकते हो। तो जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो अमाउंट पर डिपेंड करेगी वो एक्सटेंसिव। जैसे अगर ये वायर है, इस वायर को मैंने कट कर दिया तो देखो इसका वेट भी चेंज होगा, इसका मास भी चेंज होगा, और इसकी वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी, इसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी, यानी कि मास, वॉल्यूम, लेंथ, ये सब कैसी क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व इजिली नहीं कर सकते। आइडेंटिफिकेशन, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। सैंपल के लिए हेल्पफुल होती है, मतलब सैंपल की पहचान के लिए, जबकि ये सैंपल को डिस्क्राइब करने के लिए कि कितना अमाउंट है, कितनी वॉल्यूम है, कितना मास है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। नेचर की बात करें तो इसमें फिजिकल बिहेवियर चेंज होते हैं, जबकि यहाँ पर नेचर ही पूरा चेंज हो जाएगा सब्सटेंस का। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, कलर, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो आप कितना भी वाटर ले लो, एक लीटर लो या 2 लीटर लो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ही रहेगा, ऐसे उसकी डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। और ऐसे ही अगर मान लीजिए आप उसी वाटर को किसी दूसरे बीकर में कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर भी सेम रहेगा, तो ये सब कैसी क्वांटिटी, इंटेंसिव, जबकि मास, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये लेंथ, रेसिस्टिविटी एटसेट्रा, ये सब कैसी क्वांटिटी होंगी, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन था विच वन इज फॉल्स, फॉल्स बताना था एक्सटेंसिव के लिए। तो पहला है एक्सटेंसिव वेरिएबल इंडिकेट द साइज ऑफ सिस्टम। तो देखो अभी मैंने आपको बताया जैसे लेंथ और वॉल्यूम और मास, तो ये क्या बता रही है, उसको साइज को बता रहे हैं कि अमाउंट कितना है। तो ये बात तो ठीक है, स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटेंसिव वेरिएबल लाइक प्रेशर एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डेल्टा वी इज एक्सटेंसिव। देखो अभी हमने एग्जाम्पल में किया था, मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, जो प्रेशर है वो कैसी क्वांटिटी है इंटेंसिव, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कैसी क्वांटिटी है एक्सटेंसिव, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गई। पहले फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं द वेरिएबल हुज वैल्यू गेट्स हाफ इन इस पार्ट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, अगर आपने उसको आधा कर दिया तो अब ये दो वायर कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग वायर, तो इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, ठीक है, हाफ करने पर। तो जब ये चीज़ चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी होगी। तो जो भी कोई वेरिएबल है अगर उसको कम करने से उसका अमाउंट चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस का, तो इसका मतलब वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। थर्ड है प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर एक्सटेंसिव वेरिएबल। अभी हमने डिस्कस किया था ये सब इंटेंसिव वेरिएबल है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत है और हमें गलत ही स्टेटमेंट को अपना सही आंसर मानना है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। बाकी सब हमारा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन वो आंसर सही नहीं होंगे, तो इसको ध्यान से देखना और इनके नोट जरूर बना लो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्वांटिटी के। तो ये सब आपके एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल जरूर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज वी हैव स्फेरिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल्स हैं दैट आर इंटरेक्टिंग ग्रेविटेशनली, इफ द पोजिशन ऑफ आईथ पार्टिकल बी आर आई एंड इट्स वेलोसिटी इज वी आई देन द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन इज। तो देखो सिंपली अगर मैं किसी एक पार्टिकल की बात करूं, सपोज अगर हमारे पास तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल है, लेकिन किसी एक पार्टिकल की अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखो तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ मास में और वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv², ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर mi v² है, यहाँ पर m बाहर आ गया, v² है, तो हाफ तो आना चाहिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब मास, यहाँ पर जो टोटल मास है हम उसको एक साथ मास कंसिडर कर सकते हैं, उनकी वेलोसिटी अलग अलग है लेकिन मास तो उनका सब सेम ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम समेशन लेंगे तो सब में जैसे मान लो ये फर्स्ट एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड पार्टिकल की हो जाएगी हाफ एम इंटू में v² का स्क्वायर, या उसके बाद ke³ लोगे तो 1/2 mv³ का स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप इन सब का समेशन लोगे मतलब टोटल एनर्जी निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ एम तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आप लिख सकते हो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस जितना भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, या फिर 1/2 m, और इसको आप लिख सकते हैं जितनी भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी में मतलब जब आप सभी की काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो हाफ एम बाहर रहना चाहिए और समेशन के अंदर आ जाएगी टोटल जितनी भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। तो हमारा देखो इसमें तो एम अंदर है, तो हमारा ये सही आंसर होगा हाफ एम और समेशन ऑफ ऑल द वेलोसिटी का स्क्वायर। नेक्स्ट है एन आइसोथर्मिस। देखो आइसोथर्मस को आप रिलेट कर सकते हो आइसोथर्मल से, आइसोथर्मल से। आइसोथर्मल कौन से प्रोसेस होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर सेम रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो टेम्परेचर फिक्स भी होगा, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। द वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व फॉर फिक्स्ड प्रेशर, मतलब जब आप ये कर्व बनाओगे तो क्या होगा। देखो जब आपको पता पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, चलो मैं एन को वन ले लेता हूँ और आर आर कॉन्स्टेंट है ही, तो हम ये कह सकते हैं आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, इनवर्सली वॉल्यूम पर। प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पर। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो प्रेशर और वॉल्यूम में बनाएंगे और इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रही होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो पहली बात तो ये है कि जो कर्व बनेगा वो प्रेशर और वॉल्यूम में हम लेंगे, और कब लेंगे, जब टेम्परेचर फिक्स है। टेम्परेचर फिक्स भी तो होना चाहिए। तो देखो पहले स्टेटमेंट है वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व आपको मिलेगा फिक्स प्रेशर पर, नहीं। फिर है प्रेशर टेम्परेचर फॉर फिक्स वॉल्यूम, नो। स्पेसिफिक हीट प्रेशर कर्व फॉर अ फिक्स वॉल्यूम, देखो फिक्स क्या है, फिक्स है टेम्परेचर, तो वही स्टेटमेंट आपका आंसर होगा जिसमें फिक्स टेम्परेचर दे रखा हो और प्रेशर वॉल्यूम। तो फोर्थ स्टेटमेंट है द प्रेशर वॉल्यूम कर्व फॉर फिक्स टेम्परेचर, यही तो मैंने आपको बताया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यू एंड वी ऑफ एन एनालिटिंग फंक्शन एफ जेड। देखो कोई फंक्शन है मान लीजिए एफ जेड, तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और बोला है कि अगर ये दोनों पार्ट टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो कौन सा फंक्शन होगा। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ लाप्लास इक्वेशन।
लाप्लास इक्वेशन मतलब डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए आप फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव लो और प्लस करो उसको फंक्शन के डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई में, और ये इक्वल टू जीरो आ जाए, इनका समेशन जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो, कोई भी फंक्शन है एफ, वो हार्मोनिक तब कहलाएगा जब ये लाप्लास इक्वेशन को फॉलो कर रहा हो, लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दे रखा था, रियली एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइड टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? हार्मोनिक फंक्शन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी डिस्पर्सिव पावर फॉर वेवलेंथ 2 लैम्डा इफ डिस्पर्सिव पावर डी फॉर वेवलेंथ लैम्डा। देखो, आपको डिस्पर्सिव पावर बताना है जब वेवलेंथ 2 टाइम्स हो जाएगी लैम्डा के, अगर जब वेवलेंथ लैम्डा है तब डिस्पर्सिव पावर डी है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्पर्सिव पावर वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करती है। अब आपने क्लास 10th में कोचिस रिलेशन पढ़ा होगा, जो कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू ए प्लस में बी अपॉन में लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, और डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन, तो डिस्पर्जन मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ डिस्पर्सिव पावर को, और वो होता है माइनस के डी म्यू अपॉन में डी लैम्डा। डिस्पर्जन या डिस्पर्सिव पावर मैं इसको लिख देता हूँ, डिस्पर्सिव पावर। तो कैसे निकालेंगे? डिफ्रेंशिएशन करके किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। तो पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि डी वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर डी अपॉन डी लैम्डा, ए और बी यहाँ पर कॉन्स्टेंट होते हैं, ए और यहाँ पर मैंने ले लिया लैम्डा का स्क्वायर। एक्चुअली आगे भी होता है, लेकिन हम इनिशियली शुरुआत का फर्स्ट टर्म ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि बाद के जो टर्म होंगे वो बहुत स्मॉल हो जाएंगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब देखो, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करें तो ए का तो डिफ्रेंशिएशन जीरो आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस के बी को बाहर निकालते हैं, डी अपॉन में डी लैम्डा, और इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा की पावर -2। डिफ्रेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करना है तो एन आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। ऐसे हम यहाँ पर लैम्डा की पावर -2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर, तो क्या होगा? डी इक्वल टू माइनस के बी। अब जो पावर है वो तो आगे आ जाएगी, यानी कि 2 आगे आ गया, और पावर जो होगी एक्स पर यानी कि यहाँ पर लैम्डा पर, वो एन -1 हो जाएगी। तो एन कितना है यहाँ पर? ऑलरेडी -2, एक और माइनस कर दो। तो हम ये कह सकते हैं डी की वैल्यू डिस्पर्सिव पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास? माइनस के, देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, 2 बी अपॉन में लैम्डा की क्यूब। हमें तो बस ये पता करना है कि जो डिस्पर्सिव पावर है वो वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है डिस्पर्सिव पावर वेवलेंथ की क्यूब पर डिपेंड करती है। अब देखो, फर्स्ट केस में यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर कितनी है? डी। तो हम उसको लिख सकते हैं डी वन इक्वल टू ट्वाइस बी अपॉन में लैम्डा, जो कि 1 होगा, और लैम्डा 1 कितना है? लैम्डा। जबकि डी टू कितना होगा? बाद में डिस्पर्सिव पावर हो जाएगी 2 बी अपॉन में, अच्छा यहाँ पर क्यूब भी आएगा अपॉन में। अब जो नई वेवलेंथ है वो कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ लैम्डा, तो इसका मतलब उसकी क्यूब भी होगी। अब देखो, डी टू को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 बी अपॉन में 1 अपॉन 2 क्यूब इंटू में लैम्डा की पावर 3। तो इतना पोर्शन क्या है? ये डी 1 के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ डी टू इक्वल टू कितना आ जाए? 1 अपॉन 2 की क्यूब, और जो इनिशियल डिस्पर्सिव पावर थी। तो डी टू मतलब नई डिस्पर्सिव पावर हमारी कितनी आ जाएगी? डी अपॉन में 2 की क्यूब होता है 8। तो हमारा सही आंसर आएगा D/8, यानी कि ऑप्शन 1 सही होगा। तो बस आपको ये देखना है कि जो डी है डिस्पर्सिव पावर वो वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्टिव गैलेक्सी प्रोड्यूसेस एन एनर्जी एट द रेट ऑफ। देखो, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा 10 की पावर 44 से 10 की पावर 47 अर्ज पर। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट कैन बी स्प्लिट इन टू सबसेट्स सच दैट ऑल द एलिमेंट आर कंजुगेट टू ईच अदर। द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बींग डन बाई द सेम एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इट सेल्फ बट नो टू एलिमेंट बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट सबसेट आर कंजुगेट टू ईच अदर सच सबसेट आर। देखो, स्टेटमेंट है तो आपको याद ही करना होगा क्लासेज ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर क्वासी स्टेटिक प्रोसेस। देखो, क्वासी स्टेटिक प्रोसेस क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। वो प्रोसेस जो कि बहुत धीरे होंगे, इन्फिनेटली स्मॉल होंगे, उसको क्वासी स्टेटिक प्रोसेस कहते हैं। और क्वासी स्टेटिक प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होती है थर्मल इक्विलिब्रियम की।
तो हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। पहला है द सिस्टम रिमेंस इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, ये भी मैंने आपको बताया स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एन इन्फिनिटली, बहुत स्लो होता है, ये भी मैंने आपको बताया। और फोर्थ ऑप्शन द सिस्टम रिमेंस इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, थर्मल इक्विलिब्रियम भी रहेगा और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी, दोनों ही रहेंगे। फोर्थ है द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस आर सेम विद द एनवायरमेंट। देखो जो प्रेशर एंड टेम्परेचर वो एनवायरमेंट के साथ सेम नहीं होगा, इट विल बी वेरी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी। और क्वासी स्टेटिक प्रोसेस के बारे में आप जब नोट्स बना रहे हो तो ये दोनों स्टेटमेंट उसमें लिख लीजिए। नेक्स्ट है लाप्लास इंटीग्रल किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होता है सही से। तो लाप्लास ए की पावर माइनस पी एक्स इक्वल टू 2π/π में पाई आएगा, और कोस के एक्स डी एक्स पी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। अब देखो इसमें से आप कौन सी स्टेटमेंट सही चूज कर सकते हो, आप ही देखो। कोस के एक्स डी एक्स 0 से इन्फिनिटी, ये तो लगभग सभी में आ रहा है, ठीक है। बस आपको इस पर ध्यान देना है कि 2π/π होगा या π/π होगा, क्या होगा। तो ये लाप्लास इंटीग्रल में 2π/π आता है। और ये देखो यहाँ पर सिर्फ कोस एक्स है, जबकि यहाँ पर कोस के एक्स भी आएगा, मतलब कोस के अंदर के एक्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिव गैलेक्सी हैव नो प्रोमिनेंट एमिशन लाइन्स एंड स्पेक्ट्रम इज डोमिनेटेड बाय कंटिन्यूम। तो इसमें आएगा बीएल लैक्रेटरी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन द वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रल इंडेक्स इज अल्फा इज लेस देन 0.4, तो स्पेक्ट्रम कौन सा होगा, तो वो होता है फ्लैट स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इन कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज द वैल्यू ऑफ कोफिशेंट ए नॉट। तो फोरियर सीरीज में जो ए नॉट होता है वो होता है 1/t, और उसकी जो रेंज होती है -t/2 से +t/2 f(dx) तक जाता है ये। नेक्स्ट है आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट कार्नोट इंजन को सही से डिफाइन कर पा रही है। वैसे कार्नोट इंजन क्या होता है, तो कार्नोट इंजन मतलब एक इस तरह का इंजन है कि वो सोर्स से किसी T1 टेम्परेचर पर कुछ हीट लेगा और उसको सिंक पर कुछ हीट निकाल देगा T2 टेम्परेचर पर, ठीक है, ये सोर्स है। और जो एफिशिएंसी होती है इसकी ईटा, वो होती है, यहाँ पर कुछ वर्कडन भी होगा, ईटा होता है 1 - T2/T1, या कह लो कि 1 - टेम्परेचर लो/टेम्परेचर हाई, या फिर 1 - टेम्परेचर लो कौन सा होता है, सिंक का टेम्परेचर, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर किसका होगा, सोर्स का। तो आप कैसे भी याद रखो, जैसे भी आपको याद रहे, 1 - Q2/Q1, ये एफिशिएंसी होती है। और देखो जो ईटा होगा एफिशिएंसी, आइडियल इंजन होगा तब तो एफिशिएंसी 1 हो सकती है, जो कि इमेजिनरी है, लेकिन हम ये कहेंगे कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं होती, ठीक है, प्रैक्टिकल इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पर आप जब इसको हीट दे रहे हो, अब आप यहाँ पर जो हीट दे रहे हो वो चाहे आप कोयला जला करके दो, आग किसी और तरीके से दो, डीजल जला के दो, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो जो इसकी एफिशिएंसी है वो इस पर डिपेंड नहीं करती है कि जो सोर्स है वहाँ पर हीट कैसे आ रही है, यानी कि एफिशिएंसी इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि आप वर्किंग सब्सटेंस कौन सा यूज कर रहे हैं। तो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। पहला है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 1, तो देखो 1 तो नहीं होगी, 1 से लेस होगी, 1 - T2/T1। अब क्या होगा कि T2 हमेशा कम है T1 से, इसका मतलब T2/T1 की वैल्यू हमेशा कम आएगी 1 से, तो 1 में से कुछ चीज माइनस ही तो हो रही है, तो एफिशिएंसी 1 हो ही नहीं पाएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वर्किंग बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर द अदर इंजन कैन हैव मोर एफिशिएंसी देन द कार्नोट इंजन। देखो कार्नोट इंजन बेस्ट इंजन होता है, इमेजिनरी है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप कोई भी इंजन बनाते हो तो उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से तो कम ही होगी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है मोर एफिशिएंसी, मोर एफिशिएंसी नहीं, कम एफिशिएंसी होगी बाकी सब इंजन की। नेक्स्ट है कार्नोट इंजन इज इरिवर्सिबल। देखो इरिवर्सिबल नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से हीट लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर हीट सप्लाई कर दोगे, हमेशा हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन पर ही हीट फ्लो हो पाती है, तो इरिवर्सिबल नहीं होगा। फिर है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। ये बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया भी था, आप हीट कैसे ले रहे हैं, किस सब्सटेंस को जला करके ले रहे हैं, उस पर एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि एफिशिएंसी तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, ना कि वर्किंग सब्सटेंस पर। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, वो लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन पर हीट सप्लाई करता है, और वो तभी पॉसिबल है जब उस पर कुछ एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा हो। तो क्वेश्चन इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर द वर्किंग सब्सटेंस डज नॉट गो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप।
तो जो वर्किंग सब्सटेंस है वो इनमें से किस स्टेप पर नहीं जाता है। तो पहला, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग एंड चेंज इनटू चेंज लिक्विड टू वेपर। देखो, हीट जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो लिक्विड से वेपर में चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट हमारी सही होगी। बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर विच कूल्स इट एंड कन्वर्ट इट इनटू वेपर लिक्विड मिक्सचर। रिलीज ऑफ हीट बाय वेपर ऑफ द सराउंडिंग ब्रिंगिंग इट टू द इनिशियल स्टेट एंड कंप्लीटिंग द साइकिल एंड हीटिंग अप द वेपर ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वेपर से लिक्विड से वेपर फेज में चेंज नहीं होगा, तो हमारी स्टेटमेंट सही होगी, फर्स्ट ऑप्शन वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूलर आइडेंटिटी इनमें से कौन सी है? देखो, यूलर आइडेंटिटी में दो पार्ट होते हैं। जैसे अगर ई की पावर आई थीटा है तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को हम लिखते हैं कॉस थीटा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें आयोटा आएगा, साइन थीटा उसको लिखेंगे। तो ये होती है यूलर आइडेंटिटी, यानी कि साइन के आगे आयोटा लगाएंगे। तो साइन के आगे आयोटा इसमें है और इसमें तो नहीं है, और एक इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इन दोनों में देखो, यहाँ पर ई की पावर आई थीटा होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्लोबुलर क्लस्टर आर एसोसिएटेड विद अवर गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी में अबाउट 150 ग्लोबुलर क्लस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट ग्रुप ऑफ सिमेट्री फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल डू नॉट कंटेन द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे उनमें से कौन सी ग्रुप सिमेट्री नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो पहला, रिफ्लेक्शन सिमेट्री इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकंड, द रिफ्लेक्शन सिमेट्री इन एनी प्लेन अदर देन वर्टिकल पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ एटम। देखो, इसमें यही स्टेटमेंट हमारी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, इन विच प्रोसेस नो वर्क इज डन और बाय द गैस। अब देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू में चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर मान लो चेंज इन वॉल्यूम ही हमारी जीरो है, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। अब मैंने क्या बताया, डेल्टा वी या चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो है तो इसका मतलब वी यानी कि वॉल्यूम कैसी रहेगी? कॉन्स्टेंट होगी। और जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होती है तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हमारा सही आंसर होगा आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। आइसोबैरिक प्रोसेस में, आइसोबैरिक में प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि डेल्टा पी जीरो होगा। आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एडियाबेटिक में चेंज इन हीट जीरो होती है, इसका मतलब हीट कांस्टेंट होगी।